हाय नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके मेरे हम सबके दिल से जुड़े हुए विशेष कार्यक्रम में आईपीसी हार्ट केयर। दोस्तों, वैसे तो हमारा दिल कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से सुने तो हमारा दिल कुछ कहता है। ये कहता है, देखो मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखो, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गया आप तकलीफ में पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें अपने दिल को तकलीफ से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये कोशिश हम करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं हार्ट केयर के विषय पर हमारे विशेषज्ञ द्वारा। और आज की हमारी स्पेशल विशेषज्ञ हैं भारत की पहली वुमन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। आज हमारे बीच है देश की पहली महिला प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। आपने KM हॉस्पिटल से MBBS और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से प्रिवेंटिव मेडिसिन में MD किया है। आपने नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी की शिक्षा इंग्लैंड और अमेरिका से प्राप्त की है। आप एक एलोपैथिक विशेषज्ञ होने के साथ साथ अपनी उपचार पद्धति में कई अल्टरनेटिव थेरेपीज का समावेश करती हैं। आपकी संस्था IPC हार्ट केयर का आर्टेरियल डिजीजेस क्लिनिक लंदन के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन है। आप अमेरिकन कॉलेज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन की सक्रिय सदस्य हैं। आपने 4000 से अधिक रोगियों को बिना बाईपास और एंजियोप्लास्टी किए नया जीवन दिया है, और 1,00,000 से अधिक लोगों को हार्ट अटैक प्रिवेंशन की शिक्षा दी है। लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अनवरत कार्यरत हैं। डॉक्टर प्रतीक्षा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपना कीमती वक्त प्रदान कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। It's my pleasure. And ours too. इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, I want to tell our viewers a very important point. प्रोग्राम के अंत में हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल। सही जवाब देने वाले एक लकी विजेता को मिलेगा IPC हार्ट केयर सेंटर की ओर से फ्री कंसल्टेशन। साथ ही साथ लेटर्स और ईमेल्स द्वारा जवाब देने वाले सभी दर्शकों को मिलेगा IPC हार्ट केयर सेंटर की ओर से डिस्काउंटेड कंसल्टेशन। और आज के एपिसोड का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। टू बिगिन विथ डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कहते हैं कि स्ट्रेस स्किल्स, इज इट ट्रू? स्ट्रेस स्किल्स, ये स्टेटमेंट हम ऑफन सुनते हैं, और आज का ये जो अपना जो मेन एपिसोड हम लोग ने प्लान आउट किया है कि यू नो कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए जी। तो यू नो यू मस्ट बी सीइंग लॉट ऑफ न्यूज क्लिपिंग्स आउट इज शिल्पा, कि 8वीं के बच्चों ने सुसाइड कमिट किया, स्कूल के बच्चों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, यंग लोगों में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। सो डेफिनेटली यू नो स्ट्रेस का सिर्फ हार्ट पे ही नहीं, लेकिन बॉडी के सब पार्ट्स पे उसका असर होता है जी। एंड इट इज़ वन ऑफ व्हाट वी से इनडायरेक्ट किलर, के मे बी पीपल कमिट सुसाइड और गेट हार्ट अटैक और कैंसर्स और ब्लड प्रेशर और BP, बट रूट कॉज इज स्ट्रेस। सो डेफिनेटली वी शुड लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। सो लेट्स बिगिन विद स्टेप वन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहला स्टेप क्या है? एक काम करते हैं, लेट्स यू नो मेक अवर व्यूअर्स एक्सपीरियंस समथिंग। जैसे कि हम सीधे बैठ जाते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं, और श्वास को छोड़ते हुए हम जो ओम जो है ना ओमकार, हम लोग जो ओम जो शब्द है उसमें आ ऊ और म जो 3 एस्पेक्ट्स है उसमें, तो हम उसको जब भी एक्सहेल करेंगे तो हम नाभि से आ ऊ म ऐसा पूरा हम एक्सहेलेशन करेंगे। तो लेट अस लेट द व्यूअर्स आल्सो डू दैट एंड लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। यू नो आर यू रेडी? सबसे पहली गहरी सांस ले लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, और श्वास को छोड़ते हुए ऐसा लग रहा है कि कोई जो लहरें थी वो एकदम शांत हो गई है। such positive vibrations. And let us, you know, there are a lot of variations. It is not like just restricted, because generally हम ओम को you know like religion के साथ जोड़ देते हैं, but you can just say अल्लाह, you know like, or जीसस और आमेन, यू नो कैन हैव लॉट ऑफ वेरिएशंस। और जो भगवान में बिलीव ही नहीं करते, दे कैन जस्ट यू नो दे एटलीस्ट बिलीव इन नेचर। यू नो एक बी रहती है ना, बी, तो यू नो दे कैन यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड यू नो एंड जस्ट दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशंस मेक यू सो पीसफुल। एनी वे आई एम श्योर कि आपको इट वॉज जस्ट अ प्रैक्टिकल लिटिल टेक्निक, यू नो, क्योंकि एवरी टाइम हम बातें करते जा रहे हैं कि ऐसे मैनेज करो वैसे मैनेज करो, सो वी जस्ट थॉट दैट यू नो वी विल डू समथिंग डिफरेंट टुडे। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, एक्चुअली यू टोल्ड मी के स्ट्रेस को
मैनेज कैसे करना चाहिए, उसके स्टेप्स क्या है. लेकिन आई थिंक यू नो शिल्पा, पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये स्ट्रेस होता क्या है. बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, कि स्ट्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. यू नो व्हाट यू से, लाइक नहीं होना चाहिए. आजकल यू नो यू सी मूवीज भी, जैसे गाने बनते हैं, दूध पीने में टेंशन है, खाने में टेंशन है, छोटे बच्चे लोग से लेके सभी को टेंशन है. यू नो सो व्हाट इज अ स्ट्रेस. See, like it is, I give you an example of a bow and an arrow. कि अगर हमारे पास एक धनुष और बाण है, अगर उसका थ्रेड लूज भी होगा तो भी तीर निशाने पे जाएगा नहीं, अगर वो टाइट भी होगा तो भी धागा टूट जाएगा. सो इफ़ यू सी, अ परफेक्ट टेंशन इज रिक्वायर्ड. तो वैसे ही हमारी लाइफ में सोचो ना शिल्पा, कल आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा, आपको यहाँ आना नहीं है, तो आप क्या होगा, तो the output is not there. जी, so जी, what we call is you stress, that is like, you know, a correct quantity of tension is always positive required stress. Yes, positive stress, you stress is always required for best performance. जी, हमें motivate करने motivate करने के लिए. But the problem is with excessive स्ट्रेस. जी, कि आजकल के जो लाइफ में यू नो, एंड आज हम लोग इतने सीरियस हो गए हैं कि हमको हंसने के लिए भी क्लासेस ज्वाइन करने पड़ते हैं. यू नो लाफ्टर इसमें जाना पड़ता है, ये कि दिस आर द सो बेसिक थिंग्स. एंड इफ यू नोटिस, यू नो हमें बच्चों के साथ प्यार क्यों है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो कितना हंसते हैं विदाउट एनी रीजन, हंसते हैं, दे डोंट ऐ जब भी देखो. So I feel that laughter is the best medicine, you know, is always जी बिल्कुल, even I agree with that. And certain kind of stress is always required. And I think we will build up more on this episode. Let us start with some questions, you know. Yes, lot of questions people are asking us. इससे पहले कि हमारे जो दर्शक हैं वो stress में आ जाएं. नहीं तो वो लगेगा उनके हमने answers नहीं दिए. ये पहला letter हमें भेजा है Mrs. भक्ति भावे ने. इन्होंने लिखा है कि जब भी वो गुस्सा करती हैं या depressed होती हैं तो इनके सीने में दर्द होने लगता है. जानना चाहती है ऐसा क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है. इसमें आपको नहीं लगता है कि स्ट्रेस इन्वॉल्व है, क्योंकि जब भी वो गुस्सा होती है, गेटिंग एंग्री, शी इज गेटिंग अ चेस्ट पेन. अभी क्या है कि कोई कोई लोगों को क्या होता है, इसे स्पास्मोडिक पेन कहते हैं. जी, कि मसल पेन होता है, या तो हार्ट की भी आर्टरीज यू नो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्शन में जाके चेस्ट पेन को करती है. तो मिसेज भक्ति भावे को यू नो शी हैज टू लर्न हाउ टू कंट्रोल हर एंगर. आई थिंक दैट विल हेल्प हर टू गो टू द रूट कॉज. Otherwise, routinely, you know, when patients come to us for chest pain, we always do their ECG and stress test, and many times it comes to normal. कई लोगों को तो हम angiography की हद तक लेके जाते हैं और देखते हैं कि blockages भी नहीं है. Okay. And you know, then we understand that just because of stress, these people are having this chest pain. So definitely, we need to evaluate her case. You know. जी, वैसे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वीमेन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पोस्ट डिलीवरी काफ़ी वीमेन डिप्रेशन एक्सपीरियंस करती है, ऐसा क्यों होता है और इसको वो कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं. सी, डिलीवरी इट्सेल्फ इज़ अ वेरी मेजर चेंज एक्चुअली इन द वीमेन्स लाइफ, यू नो, बिकॉज इनिशियल जो डेज होते हैं जहाँ बच्चों को फीड करना पड़ता है, नर्स करना पड़ता है, प्लस फैमिली का ये जो रहता है, तो उन्हें प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती है और लॉट ऑफ द शेड्यूल इज टोटली डिस्टर्ब्ड. सेकेंड थिंग इज कि इवन हार्मोनली ऑल्सो लॉट ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. तो इसके लिए इवन इन वुमेन, यू नो, वंस आफ्टर द डिलीवरी ऑल्सो दे शुड ऑलवेज फोकस इन द प्री नेटल, दैट इज यू नो वेन द एंटी नेटल. आजकल हम लोग क्लासेस लेते हैं कि वेन द डिलीवरी, आई मीन प्रेगनेंसी इज गोइंग ऑन, दे कैन लर्न मोर ऑफ मेडिटेशन, रिलैक्सेशन. आई एम श्योर इफ द वुमेन विल डू दैट, यू नो, दे विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम पोस्ट डिलीवरी, विल बी बेटर coped up, you know, to this whole thing. लेकिन by chance if a woman experiences this stress, क्या इससे उनको heart problem भी हो सकती है? See, generally when we are talking of post delivery women, they are very young age group, you know, so generally the incidence is not very common, you know. जी, thank you very much doctor. चर्चा बहुत दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से break का. तो दर्शकों, आपको याद है ना, program के अंत में हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और correct answer देने वाले को मिलेगा आईपीसी हार्ट केयर सेंटर की ओर से फ्री कंसल्टेशन. साथ ही साथ लेटर्स और ईमेल्स द्वारा जवाब देने वाले सभी दर्शकों को मिलेगा डिस्काउंटेड कंसल्टेशन, है ना, कमाल का ऑफर. तो देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम आईपीसी हार्ट केयर. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. आईपीसी हार्ट केयर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. मैं हूं शिल्पा और हम आज चर्चा कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के विषय पर विद द फर्स्ट वुमन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट
डॉक्टर प्रतीक्षा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे अगले इसकी क्या समस्या है। ये पत्र हमें भेजा है मिस्टर नार्वेकर ने मुलुंड मुंबई से। ये लिखते हैं, डॉक्टर प्रतीक्षा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं और ये जानना चाहते हैं कि ऐसे वर्कशॉप्स में क्या होता है, कृपया डिटेल में बताइए। शिल्पा, हम लोग ने एपिसोड में ये तो डिस्कस कर ही लिया है कि स्ट्रेस स्किल्स यू नो एंड स्ट्रेस का हार्ट के साथ भी गहरा संबंध है और बाकी के जो भी सब बॉडी पार्ट्स है, आज एसिडिटी है, गैस है, हेडेक्स है, बैकएक्स है, स्पोंडिलोसिस है, एलर्जीज है, इतनी सारी बीमारियों का लंबा लिस्ट है जिसके साथ स्ट्रेस एक कॉज जुड़ा हुआ है जी। तो डोंट यू थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि ये जो स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। आई गिव यू वन एग्जाम्पल, जब भी हम मिक्सर ग्राइंडर ऐसा कुछ भी छोटी चीज़ भी लेते हैं उसके साथ एक मैनुअल मिलता है हाउ टू यूज़ यू नो, लेकिन हम जब भी पैदा होते हैं ना तो हमारे साथ एक मैनुअल नहीं आता है जी हाउ टू लिव। तो हम लोग जो भी आजू बाजू के जो वातावरण में जो हम देखते हैं सुनते हैं उसे हम एक अपना एक नेचर बना लेते हैं जी। एंड यू नो मोस्ट ऑफ अस वी आर ऑलवेज लाइक शिफ्टिंग बिटवीन हैप्पीनेस एंड सैडनेस एंड डिप्रेशंस। किसी ने अच्छा कहा तो चने के झाड़ पे चढ़ गए, किसी ने बुरा कहा तो हम डाउन हो गए। तो जैसे कि हम लोग योगा और मेडिटेशन कहते हैं तो एक माइंड को बैलेंस्ड रखना आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एंड इट इज़ सो सैड टू सी कि नाउअडेज़ द यंग चिल्ड्रन एवरीबडी इज़ गेटिंग स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस होता है, यंग पीपल एट जॉब यू नो दे गेट स्ट्रेस एंड द डिजीजेज आर इंक्रीजिंग। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप में हम ये सब मुद्दों को कवर करते हैं कि ये स्ट्रेस होता क्या है, ये कहाँ से आता है, उसका रूट कॉज क्या है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि वॉट आर द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि वी फाइंड आउट कि हर एक पार्टिसिपेंट की लाइफ में कौन सा मेजर स्ट्रेस फैक्टर है और वो सिचुएशन को वो कैसे एक्सपीरियंस मतलब पॉजिटिवली कर सकता है। सो दैट या यू नो एक गाना था कि वेरी फेमस दैट आती रहेगी बहारे जाती रहेगी बहारे दिल की नज़र से दुनिया को देखो दुनिया सदा ही हंसी है। तो हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ या हमारे बच्चे या हमारे बॉस कोई चेंज होने वाला नहीं है, हमें अपने आप को चेंज करना है और वो बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि अगर हम ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स बेस्ड ऑन योगा मेडिटेशन और ये सब हम करते हैं तो हम अपने आप को इतना मन से स्वस्थ महसूस करते हैं कि सिचुएशन वही है लेकिन हमें जैसे गाने में मैंने बताया कि बाहर आती जाती रहेगी दिल की नज़र से देखो ना, कि अंदर की अगर अपनी दुनिया हंसी है तो बाहर की दुनिया भी हंसी ही दिखती है। तो ये सब जो पूरा मैंने आपको एक जिस्ट बताया कि दिस इज़ व्हाट वी ट्राई टू कवर अप इन दिस वर्कशॉप्स एंड मेक एक्चुअली पीपल डू इट बिकॉज यू नो पीपल रीड अबाउट इट यू नो दे नो दे से कि आई नो हाउ टू डू इट बट नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग। सो दैट्स व्हाट वी डू इन द वर्कशॉप। जी बिल्कुल, हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है क्योंकि खुशी और गम ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी के साथ पढ़ते हैं हमारा अगला खत। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है अलीगढ़ से प्रबल सक्सेना जी का। ये लिखते हैं कि ऑफिस में इनके बॉस इनके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं बेचारे, जिसके कारण ये अक्सर डिप्रेशन और टेंशन में रहते हैं। कोई ऐसी टेक्निक बताइए जिससे ऑफिस का स्ट्रेस इनका कम हो जाए। अरे इनकी गंभीर समस्या है बिकॉज वो जॉब भी नहीं छोड़ पाते रहेंगे और ये भी है। इनफैक्ट यू नो शिल्पा, एक फेमस इटालियन कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा था कि द रूट कॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम इज अ टाइगर बॉस और अ टाइगर वाइफ। सो दे ऑलवेज टोल्ड यूज टू टेल हिज यंग डॉक्टर्स यू नो दैट चेक ऑन द हिस्ट्री, चेक ऑन द हिस्ट्री, जस्ट डोंट लुक एट द ब्लॉकेजेस यू नो। एंड दैट्स वाई एक्चुअली इन माई प्रैक्टिस ऑल्सो दैट्स वाई आई मीन टू प्रिवेंटिव यू नो कार्डियोलॉजी बिकॉज आई ऑलवेज फोकस ऑन दैट कि ये पेशेंट कोई बीमारी यू नो कैसे हुई। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये बॉस को कैसे हैंडल किया जाए तो इनका यही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स इज लाइक आई गिव अ सिंपल टेक्निक्स लाइक सपोज मेनी टाइम्स पीपल यू नो द बॉस कॉल्स एंड इज फायरिंग यू नो, जब भी हमें फायरिंग मिलती है ना तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं और हमें बुरा भी लगता है, हर्ट भी होता है जी। तो कभी भी हमें कोई भी फायर करता है तो हमें हम उसे टाल तो नहीं सकते बिकॉज इज अ बॉस। सो यू जस्ट लुक एट दैट पर्सन एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग यू नो लाइक आप उसके सामने देख रहे हो, जैसे मैं भी आपके सामने देख रही हूँ एंड आई एम एक्नोलेजिंग यू नो आप जो भी बोल रहे हो क्योंकि जब भी फायरिंग मिलती है तो आप हंस तो नहीं सकते हो, मे बी यू मे बी कूल विद इन तो यू हैव टू लुक सीरियस बट यू आर फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ यू नो लाइक आपका श्वास, तो इससे क्या है ना इंटरनलाइज हो जाते हैं जी। और
एक चीज हमें समझनी है कि अगर हमें फायरिंग मिल रहा है तो हम दूसरी एक टेक्निक कहते हैं स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस, कि हमें एनालाइज करना चाहिए कि हम हमारे काम में सचमुच कोई गलती हो रही है कि नहीं. यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा ईगो हर्ट होता है. तो मैं यही कहती हूँ कि अगर हमारी कोई गलती है तो हमें उसे सुधार देना चाहिए. बिकॉज देखो सभी का नेचर अलग अलग होता है, कोई प्यार से समझाता है, कोई चिल्ला के समझाता है, लेकिन सामने वाले का जो बिहेवियर है उससे हमें रिएक्ट नहीं होना है. वी हैव टू रिस्पॉन्ड, यू नो, एंड वी कैन ऑलवेज ट्रेन अवर माइंड टू पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड. सो वी कैन कीप अवर कूल, फोकस ऑन आवर ब्रीदिंग, ट्राई टू करेक्ट अवर मिस्टेक. और अगर हमारी गलती नहीं है और फिर भी हमको गालियाँ पड़ रही है तो जस्ट को दो कान भगवान ने क्यों दिए हैं. मेरी मम्मी हमेशा यही कहती है, जब मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती वो कहती है बेटा भगवान ने दो कान दिए, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो. लेकिन सुनो जरूर, बिकॉज इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर. यस, एंड वी हैव टू इम्प्रूव ऑन आवरसेल्फ, यू नो, जो कैजान जो हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यू नो, कैजान इज अ जापानीज वर्ड व्हिच मींस कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. दैट्स वंडरफुल. हमें अपने आप को पहचानना है, हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है उसे जानना है, और अपने आप को कॉन्स्टेंटली हर एक सिचुएशन में इम्प्रूव करना है. अगर हमारी ये पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगी तो हमें किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है. डेफिनेटली. इनफैक्ट साइकोलॉजी में भी एक बहुत ही अच्छी थियोरी है एब्राहम मैस्लो की, द थियोरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम अपने लाइफ कंडीशन को कैसे एलिवेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड फाइनली हमारा अल्टीमेट गोल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इन अ पीस ऑफ माइंड. तो दर्शकों आपको याद है ना, प्रोग्राम के अंत में हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल, और करेक्ट आंसर देने वाले को मिलेगा आईपीसी हार्ट केयर सेंटर की ओर से फ्री कंसल्टेशन. साथ ही साथ लेटर्स और ईमेल्स द्वारा जवाब देने वाले सभी दर्शकों को मिलेगा डिस्काउंटेड कंसल्टेशन. है ना कमाल का ऑफर. तो देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम आईपीसी हार्ट केयर. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. हार्ट केयर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के विषय पर. तो डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप स्ट्रेस को किस प्रकार इवैल्यूएट करती हैं. एक्चुअली स्ट्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए कहीं स्कोरिंग मेथड्स होते हैं. तो जब भी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करते हैं तो कोई भी जो पार्टिसिपेंट है उनको हम पूरे जो उनके मेजर लाइफ के स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं और उनकी जो पूरी पर्सनालिटी है, यू नो, हियर वी आई वाज टेलिंग अबाउट दैट टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी. डॉक्टर मेयर फ्रेंडमैन ने रिसर्च की थी कि जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम्स हुए थे तो उनका उन्होंने पूरा पर्सनालिटी प्रोफाइल स्टडी किया, और उनमें उन्होंने देखा कि जिसकी टाइप ए पर्सनालिटी है दे आर मोर प्रोन टू ऑल दिस, यू नो, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड ब्लड प्रेशर एंड ऑल. जी जी. तो टिपिकली एक टाइप ए पर्सन इज, यू नो, इट इज ऑलवेज इन व्हाट वी कॉल हरी वरी करी, भाग दौड़ है, एंड नॉट एबल टू रिलैक्स, वेरी इम्पेशेंट. तो ये जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम लोग पूरा उनका जो स्कोर एक देते हैं, और टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, यू नो, क्योंकि हम जो भी टेक्निक सिखाते हैं वो कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं. तो जैसे हम लोग एक स्कूल में, यू नो, हम लोग सब मार्क्स वाली हो गए ना, बच्चों को भी एग्जाम्स में कितने मार्क्स हुए, कितने यूनिट टेस्ट में, फिर फाइनल्स कैसे हुए, तो वैसे ही ये प्रोग्राम के बाद उनका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है. सो दैट इज वॉट वी डू बाई दिस, यू नो, स्ट्रेस स्कोरिंग. सो इट्स अ वेरी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज साइंटिफिक प्रोग्राम विच वी कंडक्ट. And we use the different kind of meditation techniques. तो जैसे मैं आपको बताया कि जो स्कोर होता है ना, तो हम लोग बिफोर एंड आफ्टर वो जो स्ट्रेस का स्कोरिंग करके देखते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम. सो दिस इज़ अ वेरी साइंटिफिकली, यू नो, ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम विच वी हैव डन, एंड वी हैव सॉल्व लॉट ऑफ केसेस ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेस विद दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, यू नो. जी, तो आपके ऐसे कोई केस स्टडीज होंगे जिसमें स्ट्रेस और हार्ट डिजीज का कोई लिंक होगा, क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? या डेफिनेटली. एक्चुअली हम लोगों ने जो भी अभी तक ऑलमोस्ट मोर देन 4000 केसेस किए हुए हार्ट के, जिनको ऑलरेडी क्रिटिकल ब्लॉकेजेस है 90-100%, यू ऑलरेडी नो दैट वी नो वी गिव दिस आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी, EECP. जी जी. ये सब हम लोग एक ट्रीटमेंट तो दे ही देते हैं, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट हम लोग दे ही देते हैं सभी पेशेंट्स को. लेकिन उसके साथ साथ हम उनका पूरा जो स्ट्रेस स्कोरिंग करके देखते हैं कि उनकी लाइफ में कौन से फैक्टर्स से स्ट्रेस होता है. एंड यू नो आई वुड लाइक टू शेयर वेरी लाइक टिपिकल केस स्टडीज. लाइक वी हैड वन पेशेंट, मिस्टर रमन.
उनको एवरी डे चेस्ट पेन होता था जी. तो मैंने ये टुक हिज हिस्ट्री यू नो व्हाट आई फाउंड आउट कि उनकी डॉटर का मैरिज नहीं हो रहा था इसके लिए उनको पेन हो रहा था. एंड यू नो सो यू सी दैट द मोमेंट हिज डॉटर गॉट मैरिड यू नो ही वाज एकदम ठीक हो गए मच 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 बेटर. तो यू नो लाइक दैट इट इज देयर कि कई बार मैंने देखा है कि एक बार एक मिस्टर खान करके हमारे पेशेंट थे उनको रोज सुबह 8 बजे ही चेस्ट पेन होगा. अच्छा. तो ही वॉज यू नो नॉट वेरी अफोर्डिंग काइंड और डॉक्टर ने बोला था कि आपको तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा एंड यू नो तो ही कुड नॉट स्पेंड. तो आई थॉट डेट ये इनको रोज 8 बजे ही क्यों चेस्ट पेन होता है नो. तो मैंने उनकी हिस्ट्री ली जी. तो मैंने देखा कि रोज सुबह जब वो नहाने जाते हैं तो नहाने आने के बाहर देखते कि बीबी ने उनका शर्ट पैंट तैयार करके नहीं रखा तो उनको गुस्सा आता था. अच्छा. और उनको चेस्ट पेन होता था. तो मैंने बोला कि मिस्टर खान ऐसा कीजिए आप खुद ही शर्ट पैंट रख दीजिए वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा. टाइगर वाइफ सो यू नो लाइक एक्चुअली इन एवरी पेशेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और हार्ट आई ऑलवेज सी दैट स्ट्रेस इज डेफिनेटली वन ऑफ द अंडरलाइंग factor either it is a marital stress or a financial stress or some kind of a stress. In fact some people are you know amazingly I have seen Shilpa that they are rich, they have money, they have all the things which could one could dream of in life, you know, the car and house and everything. हाँ जी, हाँ जी. But they have stress of emptiness, you know, like कुछ है ही नहीं, उनकी जिंदगी एकदम खाली होती है, जैसे कि सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है. तो ये भी एक स्ट्रेस है यू नो जी करके. तो अपने को कभी कभी लगता है कि जो लोग रिच है सब कुछ है उनको स्ट्रेस नहीं होता रहेगा, लेकिन उनको तो मैंने देखा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है बिकॉज उनमें एक फियर होती है, इनसिक्योरिटी होती है, दे मे नॉट लूज एवरीथिंग. सो देर आर सो मेनी केस स्टडीज यू नो इट्स लाइक एंडलेस, आई कैन नॉट आई मीन कीप ऑन एंड ऑन, बट सो मेनी केस स्टडीज विच वी आर सीन कि वंस वी डील विद देम एट द डीप लेवल जी यू नो दे रियली स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल. यू नो उनकी जो ट्रीटमेंट में जो रिस्पॉन्स इतना अच्छा आता है और उनके हार्ट के भी प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं और बहुत अच्छा मतलब उनकी लाइफ पूरी सुधर जाती है. इसी के साथ देखते हैं हमारे अगले दर्शक की क्या समस्या है. ये एक ईमेल है जो आया है बैंगलोर से और इसे भेजा है मिस्टर कुमार जी ने जो एक आईटी प्रोफेशनल है. हाल ही में इनकी शादी भी हुई है, कंग्रेचुलेशंस कुमार जी. लेकिन करियर की वजह से ही अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाते जिसके कारण मैरिटल स्ट्रेस है वेरी बैड, हाइपर एसिडिटी और हेडेक की प्रॉब्लम भी रहती है. इस कारण ये काम में फोकस नहीं कर पाते. जानना चाहते हैं कि इनकी प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है. I think we have to help him, Shilpa. Definitely, because doctor. We have congratulated him for his marriage. Now, the marriage has to go on happily. Yes, absolutely. So, अभी जैसे Mr. Kumar का जो problem है, I think दर्शकों में काफी young लोग हो गए, you know, because आजकल हमारी जो ज़िंदगी में इतना तनाव है, stress, competitive stress जिसे हम कहते हैं कि आज सभी को career में आगे बढ़ना है और everybody has to put in long working hours, you know. Yeah. तो उसमें काफ़ी बार वो अपने स्पाउस के साथ के जो टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. तो हम उनको यही एडवाइस देंगे कि यू नो कि उनकी वाइफ और उनको बैठ के ही हैज़ टू स्पेंड क्वालिटी टाइम. तो अगर वीकडेज में कैचअप नहीं कर पाते तो वीकेंड्स या जो हॉलीडेज रहते हैं तो ही कैन स्पेंड द होल डे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शिल्पा दैट यू नो वी शुड ऑलवेज डेवलप ऑन बिल्डिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड अंडरस्टैंडिंग. यू नो आई विल जस्ट गिव यू अनदर केस स्टडी. इन वन ऑफ द डेज इन आर क्लिनिक्स एक बार एक कपल हमें आके बड़ा गिफ्ट दे दिया. तो मैंने बोला क्या हुआ आप इतने खुश क्यों दिख रहे. बोलते आप बिलीव नहीं करेंगे हम 25 साल से शादीशुदा तो है लेकिन हमें शादीशुदा होने का हैप्पीनेस 25 साल के बाद अनुभव हुआ. यू नो सो व्हाई इज दैट. या यू नो सो एक्चुअली क्या हुआ कि यू नो वो लोग एक दूसरे को प्यार करते थे लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे. छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के अरे मेरे हस्बैंड की ये आदत है मुझे पसंद नहीं है, वाइफ की ये आदत है मुझे पसंद नहीं है, ये वैसे कपड़े डालती है वो वैसे कपड़े डालती है जिसे कहते जो हाँ. तो वो क्या होता था कि जो एक आपने जैसे पहले बताया था हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल. तो हमें क्या एक ह्यूमन माइंड है अपना यू नो कि जो नहीं होता है उसके तरफ ही हम फोकस करते हैं, आकर्षित होते हैं. तो हम ये जो सब स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये जो प्रोग्राम्स करते हैं उसमें वी ट्रेन द माइंड के जो है उस पर फोकस होना चाहिए यू नो एंड देन यू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स. सो आई थिंक इफ मिस्टर एंड मिसेस कुमार कैन ऑल्सो गो टू अ गुड मैरिज काउंसलर और यू नो डू स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम आई एम श्योर दे विल हैव गुड लाइफ. एंड उनको जो एसिडिटी और हेडेक का भी जो प्रॉब्लम है इट्स डेफिनेटली स्ट्रेस इंड्यूस्ड. सो इफ यू गो टू द रूट कॉज डेफिनेटली दैट ऑल्सो कैन बी सॉल्व.
सिंस ये एक मैरिटल प्रॉब्लम की बात चल रही है, मुझे एक बात याद आ गई. एक जेंटलमैन थे एंड ही हैड अ लव मैरिज. तो शादी के पहले वो कहते थे अपनी वाइफ को, अरे मेरी सूरजमुखी. और जब शादी हो गई तो रात को हमेशा कहते थे, आ गई मेरी चंद्रमुखी. लेकिन अब 10 ईयर्स डाउन द लाइन, एक डेकेड हो गया उनकी शादी को, और उसे देखते ही वो कहते, अरे बाबा भागो, आ गई ज्वालामुखी. सो वी डेफिनेटली होप कि हमारे दर्शकों के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. एंड वी डेफिनेटली विश ऑल ऑफ देम शुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ. लेकिन दैट इज पॉसिबल ओनली इफ द कपल एडजस्ट. दोनों पार्टनर्स को एडजस्ट करना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि हमारी डॉक्टर ने कहा. इसी के साथ देखते हैं अगला खत. ये पत्र हमें भेजा है कोयम्बटूर से डॉक्टर श्रीनिवासन जी ने. वाओ, ये पूछना चाहते हैं कि क्या योगा और मेडिटेशन से स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे? ज़रूर किया जा सकता है. डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है. और आई थिंक वी शुड, इट्स टाइम फॉर यू नो सब फॉर सम प्रैक्टिकल्स. हमने बहुत बातें कर ली, तो क्यों ना हम उन्हें IBC के सेंटर पे लेके चले और उनको एक्चुअली कौन सी टेक्निक से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, थोड़े उनको लाइव एग्जांपल्स दिखाए. यस श्योर, आई एम श्योर इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन. चले. व्यक्ति का हृदय कितना स्वस्थ है और उसकी व्यायाम क्षमता कितनी है, इसकी जांच स्ट्रेस टेस्ट यानी ट्रेडमिल टेस्ट से की जाती है. टेस्ट की शुरुआत में रोगी के सीने, बाहों तथा पैरों पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जो मशीन से जुड़े हुए रहते हैं. अब रोगी स्ट्रेस टेस्ट मशीन पर चलना शुरू करता है. इस दौरान रोगी के हृदय की कार्य क्षमता को ECG के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है. अब स्लोप और रोगी के चलने की गति बढ़ाई जाती है और हृदय को ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंच रही है या नहीं, ये पता करते हुए हृदय की कार्य क्षमता मापी जाती है. गति के बढ़ने के साथ ही अगर रोगी के सीने में दर्द, सांस फूलना या फिर रक्तचाप बढ़ना जैसे लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, तो टारगेट हार्ट रेट पहुंचने तक ये टेस्ट किया जाता है. इसके विपरीत टेस्ट पूरा होने से पहले रोगी के ECG में बदलाव अगर दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि रोगी के हृदय को जरूरत से कम खून मिल रहा है. ऐसी स्थिति में रोगी का स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है. पूरे टेस्ट के दौरान रोगी को करीब 10 से 15 मिनट तक मशीन पर चलाया जाता है तथा इस दौरान बार बार उसका रक्तचाप तथा ECG मॉनिटर किया जाता है. Wow, that was fabulous, wasn't it? Yes. डॉक्टर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर और इससे मेरी स्ट्रेस काफ़ी कम हो गई है. वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी इतनी पॉजिटिव है कि मेरा स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम हो गया है. पर आई एम श्योर कि हम लोग इतना इन्जॉय कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी हमारा ये कार्यक्रम देख के वैसा ही लग रहा होगा. उनका जो स्ट्रेस होगा वो भी गायब हो गया होगा. और नहीं हुआ है तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है. लेकिन ये परिवर्तन आपके अंदर होना चाहिए. यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, चेंज योर सेल्फ फर्स्ट. इसी संदेश के साथ हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द. और इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अंत में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेता को मिलेगा यस फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम IPC हार्ट केयर सेंटर. साथ ही साथ जवाब अटेम्प्ट करने वाले सभी दर्शकों को मिलेगा डिस्काउंटेड कंसल्टेशन. सो ऑल द वेरी बेस्ट. समय बहुत कम है, लेकिन हम लोग लौटेंगे बहुत जल्द. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. IPC हार्ट केयर में मैं शिल्पा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ. वेलकम ऑल, वेलकम वन. तो डॉक्टर, टू कंटिन्यू द डिस्कशन, जैसा कि हमारे दर्शक जानते ही हैं, हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के विषय पर. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी हो सकता है? बिल्कुल. जैसे कि हम लोग ने देखा है कि ना, बीच में हाल ही में अर्थक्वेक हुआ था, तो काफ़ी लोगों को ऐसे ही जो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाइफ में अंडरगो करने नेचुरल कलामिटीज, काफ़ी यू नो यंग पीपल वर कमिंग अप इन दैट एरिया विद लॉट ऑफ हाई शुगर्स और इवन पीपल हु आर एट जॉब हु आर हैविंग एक्सेसिव स्ट्रेस. मेनी पीपल आर हैविंग ब्लड प्रेशर डायबिटीज. सो डेफिनेटली स्ट्रेस इज लिंक्ड विद ब्लड प्रेशर डायबिटीज. एंड ऑल ऑफ अस हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन के स्ट्रेस से हार्ट का प्रॉब्लम तो होता ही है. तो इसके लिए तो हम आज इतनी चर्चा कर रहे हैं ना स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में. जी बिल्कुल. यानी कि स्ट्रेस इज सो बैड कि इससे हमारे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटल कंडीशंस के साथ साथ. यू नो व्हाट वी कैन डू शिल्पा, व्यूअर्स के लिए, हम स्ट्रेस का हर एक बॉडी पे क्या असर होता है वो
चर्चा करते हैं. हाँ जी बिल्कुल. एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग स्ट्रेस यू नो. जी लेट अस स्टार्ट के पहले के ज़माने में जब भी ह्यूमन बीइंग्स फॉरेस्ट में रहा करते थे तो वहाँ ये स्ट्रेस मैकेनिज्म बिल्ड की गई थी क्योंकि हमें जानवरों से जंगली जानवरों से अपने आप को बचाना पड़ता था. भी डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. वी यूज टू कॉल इट फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म कि अगर हम किसे फेस नहीं कर पाते तो भाग जाओ या तो फाइट करो. तो जब भी हमें कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन जब भी हमारे लिए खतरा होता है तो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर. तो ऑल दिस थिंग्स वॉज टू एक्चुअली हेल्प अस फाइट. लेकिन अभी शिल्पा हुआ क्या है कि पहले का ज़माने में जैसे हम झाड़ पे तो रहते नहीं हैं और हमारे यहाँ जंगल नहीं है, कोई टाइगर नहीं आते, तो अल्टीमेटली टाइगर्स कहाँ हो गए. अभी जैसे वो इटालियन कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला के घर में या दफ्तर में टाइगर्स आई हैव कम स्टार्टेड विद द फॉर्म ऑफ यू नो ह्यूमन बीइंग्स. सो एंड दे आर लिविंग इन अ कॉन्क्रीट जंगल यू नो. सो नाउ द मेन फैक्टर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज आइदर अ फिजिकल स्ट्रेस. तो आजकल इतना नहीं कहेंगे क्योंकि सब लोगों के पास गाड़ी है, ट्रेन है, बस है. इतना पहले जैसा जो लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी तो फिजिकल स्ट्रेस इतना नहीं है. लेकिन मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस इज समथिंग यू नो विच इज बॉदरिंग ऑल ऑफ अस एंड दिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. क्योंकि आजकल जैसे जैसे हम लोग यू नो मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हमारे फैमिलीज बिखरते जा रहे हैं, वी आर बिकमिंग मोर न्यूक्लियर और हम अपने आप को इतना अकेला और आइसोलेटेड महसूस करते हैं. तो उसमें क्या हो रहा है कि वी आर रियली बिकमिंग वेरी इमोशनली सेंसिटिव यू नो. एंड ये जो एक पॉइंट है जिसके वजह से लोगों में काफ़ी ये बीमारी का जो इंसिडेंस है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहा है. तो जैसे अभी हम तो वो कॉन्क्रीट जंगल में रहते हैं तो इसमें तो हम जो लोगों के रूप में ही हमें सब स्ट्रेस होता है जो मैंने आपको बताया इमोशनल रिलेशनशिप्स. तो हम लोग इतने आइसोलेटेड हो गए हैं कि दिस इज़ द मेन रीज़न यू नो फॉर विच वी आर गेटिंग नॉट स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसीजेस. जी इसी के साथ देखते हैं हमारे दर्शक की समस्या क्या है. ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है एक 14 साल की स्टूडेंट रिंकू का. ये लिखती हैं कि इनके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और ये काफ़ी डरी हुई है. एग्ज़ाम के दौरान इन्हें क्या करना चाहिए कि इनका तनाव कम हो जाए. आई थिंक जो रिंकू का प्रॉब्लम है सभी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम्स बोले तो यू नो दे आर लाइट ऑफ एंगजाइटी एंड एप्रीहेंशन इज़ देयर. यू नो शिल्पा पहले के ज़माने में कितना अच्छा हुआ करता था ना कि लोग गुरुकुल में जाते थे, गुरु शिष्य परंपरा थी, स्टूडेंट्स पूरा सरेंडर करते थे एंड द फोकस वाज ऑन लर्निंग यू नो कि हमें ज्ञान कितना प्राप्त हुआ है. लेकिन आजकल क्या हो गया है कि इट इज़ ऑल लाइक मार्क्स सिस्टम यू नो. इट इज़ ऑल द गेम ऑफ नंबर्स कि कितने मार्क्स मिले, क्या हुआ करके. कोई भी स्टूडेंट अगर रियली स्ट्रेस फ्री रहना चाहता है तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये होनी चाहिए कि अल्टीमेटली मैं एजुकेशन किसके लिए रह रहा हूँ, कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए. तो लर्निंग शुड बी इम्पॉर्टेंट यू नो कि अगर उन्होंने रोज डे बाय डे स्टडी किया हुआ है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल क्या करते हैं कि पूरा साल मतलब एवरी डे दे जस्ट वॉन्ट टू प्ले, डू हियर एंड देयर एंड व्हेन एग्जाम्स कम दे ट्राई टू स्टडी यू नो. या तो फिर जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं जो रोज पढ़ाई करते हैं दे आर हैविंग दैट एंगजाइटी टू टॉप यू नो कि मुझे पहला आना है, दूसरा नहीं आना है. सो दैट इज द रिजल्ट इज गिविंग देम द एंगजाइटी. तो एक स्टूडेंट को भी वही सोचना चाहिए क्योंकि दिस इज वॉट आई पर्सनली बिलीव्ड एंड इन माई स्कूल लाइफ आई हैव डन दैट कि आई कैन स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, राइट द आंसर्स करेक्टली, वॉट एवर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड देन लीव द रेस्ट टू गॉड के जो भी मेरे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे. एंड द सेम प्रिंसिपल आई एम फॉलोइंग इन माई प्रैक्टिस ऑल्सो बिकॉज यू नो यू कैन अंडरस्टैंड के एज अ डॉक्टर एंड बींग इन टू कार्डियोलॉजी यू नो यू हैंडल सच क्रिटिकल केसेज वेयर इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ और डेथ. जी बिल्कुल. यू नो एंड देन आजकल लोगों को गारंटीज चाहिए, ये होगा नहीं होगा, देर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस विच इज इन्वॉल्व. एंड आई हैव पर्सनली सीन दिस प्रिंसिपल यू नो कि अगर हम लोग सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड जिसे हम लोग कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान कि हम हमारी एक्शंस बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में करें और जो भी उसका फल होगा वो हम ईश्वर पे छोड़ दे. सो आई थिंक इट इज द बेस्ट वे टू लिव यू नो बिकॉज अल्टीमेटली वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड यू नो. अगर हम ये सोच के चलते हैं तो लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा. जी दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल, बहुत ही अच्छी थिंकिंग है. लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या आप बता सकती हैं हमारे दर्शकों को? हाँ, उसके पहले मुझे एक एपिसोड याद आ गया. जी एक बार क्या था, एक कुली था तो वो सामान लेने सामान बहुत था उसके पास और उसको जल्दी ट्रेन पकड़नी थी.
तो क्या हो गया कि वो जब ये ट्रेन में चढ़ गया तो उसने एक्सेस बैगेज की टिकट नहीं ली हुई थी, तो एकदम ऑनेस्ट कुली था। उसने क्या किया कि जो 15 किलो ट्रेन में अलाउड है वो नीचे रख दिया और 10 किलो अपने सर पे लेके खड़ा हो गया। तो सब लोग यू नो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है करके, और बाद में टीसी आ गया, तो टीसी ने उसे पकड़ा, बोला क्या चल रहा है आपका, तो एक्सेस बैगेज आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो बोला नहीं नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, देखो एक्सेस बैगेज में मेरे सर पे लेके खड़ा हूँ, आप प्लीज मुझे फाइन मत कीजिए। तो टीसी और सब लोग हंसने लगे, बोला क्या पागल आदमी है ऐसे कैसे। तो टीसी ने उसे समझाया, देखो भैया आप सर पे रखो कि नीचे रखो, अल्टीमेटली ये ट्रेन का इंजन ही गाड़ी को लेके जाता है, तो फाइन तो भरना पड़ेगा। एक्चुअली शिल्पा डोंट यू थिंक कि हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है कि आज हमारी जिंदगी जो है वो ऊपर वाले की देन है, तो ऊपर वाला हमें हमारे लिए सब कुछ करते रहता है, लेकिन हम हैं जो यू नो बोझा अपने सर पे लेके बैठे हैं और सोचते हैं कि हम चलाते हैं, मैं घर चलाता हूँ, मैं दफ्तर चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इतना सारा स्ट्रेस लेके हम जीते हैं। लेकिन अगर हम ये जैसे कुली जैसा यू नो फुलिशनेस छोड़ दे और वो बाजू पे रख के अपनी जिंदगी मजे से ले, तो हमें कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं। तो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल यू नो देर आर लॉट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के हाउ टू बी यू नो स्ट्रेस फ्री, हाउ टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो उसमें जो हमारा रूटीन, जैसे आपने मुझे बताया कि टेक्निक्स के रूटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो के जो हमें स्लीप के जैसे कम से कम हमें 6 से 8 घंटे स्लीप तो चाहिए ही चाहिए, अनलेस यू नो इफ यू आर मेडिटेटिंग, लाइक आई हार्डली रिक्वायर 4-5 आवर्स ऑफ स्लीप, बिकॉज 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल टू 2 आवर्स ऑफ स्लीप। तो जो लोग अगर कम सोना चाहते हैं और ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो अगर वो लोग मेडिटेशन की टेक्निक्स यूज करेंगे तो यू नो इट कैन कैच अप ऑन योर स्लीप। तो आपकी रूटीन में एडिक्वेट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है फूड, के सही वक्त पे सही खाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, एंड यू नो द राइट काइंड ऑफ फूड। जैसे हम योगा में कहते हैं कि सात्विक, तामसिक और राजसिक, जी तो आज क्या है कि हम लोग मेजॉरिटी तामसिक फूड खाते हैं बिकॉज इट इज़ ऑल लाइक स्टेल जंक एंड ऑल दिस थिंग्स, सो तामसिक या रिफाइंड प्रोडक्ट्स। सो तामसिक यू नो अ डल फूड इज गोइंग टू डल डेड एंड स्टेल फूड इज गोइंग टू गिव अ स्टेल माइंड, जी यू नो एज योर फूड सो योर माइंड वी से। सो इफ यू वॉन्ट टू बी हैविंग स्ट्रेस फ्री देन यू शुड हैव फूड विच इज़ फुल ऑफ विटामिन, विच शुड बी फ्रेश एंड यू नो ईट एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स। सो जैसे मैंने आपको रूटीन में बताया कि फूड है, स्लीप है, देन योर वर्क, क्योंकि अगर हमें जो भी वर्क आवर्स है वील हैव टू डिवाइड अवर वर्क, बिकॉज ओवर वर्क से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो डेलीगेशन एट वर्क, क्योंकि काफ़ी बार ही ना हम लोग दूसरे किसी को काम सौंपने से डरते हैं कि वो ठीक से होगा कि नहीं, तो वो जो सब वर्क प्लेस पे भी यू हैव टू डू सर्टेन टेक्निक्स। आई कैन नॉट रियली गो इनटू, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक बाय इटसेल्फ, बट जस्ट ट्राइंग टू कैच अप। देन गिविंग टाइम टू योर रिलेशनशिप, जैसे कि आपके पास आपकी वाइफ है, बच्चों है, उनके साथ एक फैमिली यू नो दैट बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू नो गुड म्यूजिक, बिकॉज यू नो जैसे कि म्यूजिक यू नो लाइक इट्स अ गुड म्यूजिक कैन यू नो रियली रिलैक्स यू। देन पेट्स है, अगर आपको नेचर पसंद है, गोइंग यू नो गोइंग आउट टू ब्यूटीफुल प्लेसेस, तो आज इतनी सारी थिंग्स है कि अगर आप मैनेज मतलब अपनी लाइफ में करते हो ठीक से, तो यू कैन लिव अ वेरी पॉजिटिव स्ट्रेस फ्री लाइफ, यू नो। एब्सोल्युटली, इसी के साथ वक्त है हमारे दर्शकों से आज का सवाल पूछने का। तो दर्शकों आज का क्वेश्चन है, एक्सेसिव स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, इनमें से कौन से हैं, ए कॉफ एंड कोल्ड, बी स्वोलन फीट, या फिर सी स्लीपलेसनेस। अगर आपको पता है जवाब आप हमें लिख सकते हैं। हमारा एड्रेस है 102 फर्स्ट फ्लोर, ब्लॉक नंबर 3, प्रथमेश बिल्डिंग, रघुवंशी मिल्स कंपाउंड, नियर बिग बाजार, सेनापति बापट रोड, मुंबई 400013। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है pratiksha_ipc@yahoo.com। Well, all the very best, और आप जानते ही हैं कि एक लकी विजेता को मिलेगा आईपीसी हार्ट केयर सेंटर की ओर से फ्री कंसल्टेशन, और साथ ही साथ लेटर्स और ईमेल्स भेजने वाले सभी दर्शकों को मिलेगा डिस्काउंटेड कंसल्टेशन। आई एम श्योर कि आप सभी को आंसर पता होगा, बट देयर कैन बी ओनली वन विनर, बट एनीवे डू ट्राई योर बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर प्रतीक्षा हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और इसे स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल आर स्ट्रेस फ्री नाउ। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज का एपिसोड बहुत ही एंजॉय किया होगा और इसके बाद आप बहुत ही रिलैक्स हो गए होंगे। वैसे जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारी लाइफ हमारे इनर स्टेट का एक मिरर है,
अगर हमारे अंदर शांति है तो बाहर भी शांति फैलती है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर मिलेंगे आईपीसी हार्ट केयर के अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज शिल्पा सिंह, गुड बाय, नमस्कार। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अबाउट वुमेन एंड प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज। सो देखना ना भूलिए आपके दिल की देखभाल से जुड़ा हुआ प्रोग्राम आईपीसी हार्ट केयर।